सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में बात कुछ ऐसी है, अभी बात नहीं है, पहले वीडियो देखो फिर बात करते हैं। कैसा लगा गाइस? मैंने कुछ दिनों पहले जैसे ही मेरा क्वारंटीन खत्म हुआ उसके बाद एक पोल इंस्टाग्राम पर करवाया कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉग डू यू वांट टू सी फ्रॉम माय साइड। मैंने दो ऑप्शन दिए थे, वन वाज ट्रैवल ब्लॉग एंड सेकंड वाज लाइफस्टाइल। तो मैक्सिमम अबाउट 60% जो थे वो ट्रैवल ब्लॉग वाले थे एंड 40% वाज कि दोनों भाई ट्रैवल के साथ लाइफस्टाइल भी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइज आप लोगों की बातें तो सुननी पड़ेगी बिकॉज यू आर माई एवरीथिंग। तो आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं फोकस करूँगा कि ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो गाइज अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं कर सकता, बट यस जहाँ पर मैं रह रहा हूँ इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड मैंने सोचा जहाँ मैं रह रहा हूँ क्यों ना इसी को एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेंज वैली से। यस आई लिव इन सेंज वैली। तो काफ़ी बड़ी वैली है ये, लगभग 90 square kilometers। अपनी संस्कृति, अपने नेचर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए ये विश्व विख्यात है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यस तो मुझे लगा क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। तो अभी मैं पूरी सीरीज़ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गाँव यहाँ पर है और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस भी है। तो अभी स्टार्ट करूँगा मैं अपने लोकल एरिया से, यस सेंज टाउन से। आप लोगों ने पिछले सिनेमैटिक में देख भी लिया होगा कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अभी इस ब्यूटीफुल प्लेस को मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं, चलो भाई। ऑलराइट गाइस, तो 90 square kilometers सेंज वैली की शुरुआत वैसे तो लार्जी क्रॉस करते ही हो जाती है, बट यहाँ से ठीक 500 meters पीछे 0 point आता है जहाँ से एक रास्ता धौगी के लिए जाएगा और एक रास्ता आएगा हमारे प्यारे सेंज के लिए। तो अल्टीमेटली जो सेंज वैली की शुरुआत होती है वो होती है इस पॉइंट से। तो जैसे ही आप सेंज वैली आओगे आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा ये नीले रंग का बोर्ड लगा है, NHPC लिमिटेड पार्वती स्टेज 1, 2 and 3 समथिंग। तो इस पॉइंट से सेंज वैली की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी इस वैली को करते हैं हम एक्सप्लोर। जैसे ही आप एंटर करोगे आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर सियारनू देवता जी का मंदिर।
तो अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ यहाँ से भी आपको दो तरफा मंदिर मिलेंगे, वन इज दिस साइड एंड अदर वन इज दिस साइड। तो आप लोग सबसे पहले मेरे लेफ्ट या तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर एक गुफा भी है और प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। देवता शेषनाग जी, सियानो देवता जी यहाँ पर वास करते हैं। और यार जब भी आप लोग यहाँ पर आओ एक बार यहाँ के लोकल अथॉरिटी से ज़रूर बात कर लो, इट्स इम्पोर्टेंट कि उनसे आप लोग बातचीत करो और तभी यहाँ पर आओ। तो अभी चलते हैं दर्शन करने, चलो भाई। ऑल राइट, तो ये है देवता शेषनाग जी का प्राचीन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोहा चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, जो भी हमारी मन की इच्छाएं होती है देवता उसे पूरी करते हैं। ऑल राइट, सो ये था सेंज वैली में सियारनो देवता जी का मंदिर। तो मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग सेंज वैली आओ देवते से आशीर्वाद लो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाओ। ऑल राइट गाइस, अभी सियारनो देवता के दर्शन करने के बाद आप लोगों के पास मार्केट जाने के लिए दो ऑप्शन रहती है। नंबर वन, बाय दिस रोड, दिस इज कॉमन रूट फॉर बसेज एंड ऑल द व्हीकल्स। जो कोई भी सेंज जाना चाहता है वो इस रोड से होकर जाता है एंड और इसी रोड से मार्केट भी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप ठीक पीछे देख भी पा रहे हो, ये एक रेस्टोरेंट है, मेरे फ्रेंड का ही रेस्टोरेंट है। और सेकंड ऑप्शन है दिस वन, ये जो आप मेरे पीछे रोड देख पा रहे हो ये है सेकंड ऑप्शन। ये रोड बाईपास है, इससे भी आप मार्केट जाओगे। अगर आप घूमकर आगे से यू टर्न लेते हो तो आप लोग मार्केट पहुंच जाओगे एंड अगर आप इस रोड में सीधे बने रहते हो तो आप लोग जाओगे रोपा और न्यूली की तरफ, जो आपको जोड़ेगी शांगड़ वैली से। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ इसी रास्ते से, क्यों इसका कारण अभी चलते चलते बताऊंगा। अभी ये है मेरे साथ मेरे कजन, पीछे आप लोग देख पा रहे हो कि टिकटॉक का शूट चला हुआ है। तो अभी क्या कहे यार, दुनिया टिकटॉक के खिलाफ है और ये लोग टिकटॉक बना रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो दिस इज नालागढ़, अभी ये वाला एरिया कंप्लीट एरिया है नालागढ़ का और उसके सामने आप देख पा रहे हो वो है प्लेग्राउंड एंड बाकी सब आगे जाके अभी देखते हैं कौन क्या है। तो मार्केट हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, पूरी इस एरिया से मार्केट स्टार्ट हो जाती है और आगे आगे चलते 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 पूरी बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल राइट, सो दिस इज केंद्रीय विद्यालय NHPC सेंज। मेरी स्कूलिंग भी इसी स्कूल से हुई है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्कूल है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, वो अच्छे पल, वो बुरे पल और जितनी भी हमने शरारतें की थी, अच्छे काम किए थे, स्कूल बंक किए थे, बहुत सारी बातें हैं वो सब याद आ जाता है। तो जितने भी KBN, अगर KBN मुझे देख रहे हैं तो शाउट आउट टू ऑल, लव यू ऑल KBNs। एंड अगर आप लोग इस ब्लॉग को देख रहे हो तो अपने KBN भाई को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और राइट गाइस, आप लोगों को मैं इस रोड से इसीलिए लेकर आया था ताकि आप लोगों को मैं अपना स्कूल दिखा पाऊँ, अपना प्यारा दुलारा केंद्रीय विद्यालय दिखा पाऊँ और मैं भी देख लूँ, बिकॉज काफ़ी समय हो गया है मैं इधर को आया नहीं। एंड इसी रोड में चलते हुए आप लोगों को सेंज वैली का अल्टीमेट व्यू, वाइड एंगल व्यू दिख जाएगा। और राइट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दो यार बहुत ज़्यादा प्यार करो, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मैं आपसे मिलता हूँ सेंज वैली के एपिसोड नंबर 2 में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ो लिखो, नाचो गाओ, झूमो फिरो, जो करना है करो, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।